नमस्कार मित्रों, आज हमारे बच्चे कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक प्रकृति का पाठ विश्व में भारत पढ़ने जा रहे हैं और एक बहुत ही रोचक गतिविधि के माध्यम से महाद्वीपों और महासागरों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। सभी बच्चों को दो झुंड में बांट दिया गया है। एक झुंड महाद्वीप को प्रदर्शित करेगा तथा दूसरा झुंड महासागर को प्रदर्शित करेगा। बीच बीच में बच्चों को मेरे द्वारा चैलेंज भी किया गया है ताकि वो अपने प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दें। तो चलिए देखते हैं कि इन बच्चों ने इस गतिविधि को किस तरीके से प्रदर्शित किया है और कितना सरल बना दिया है एक व्यक्ति के लिए महाद्वीपों और महासागरों को समझना। जहाँ तक मुझे लगता है, इससे सरल भाषा में महाद्वीपों और महासागरों को बच्चों को नहीं समझाया जा सकता है। ये सबसे सरल विधि मुझे लगी है। आप भी अपने बच्चों पर ट्राई कर सकते हैं और अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नन्हे मुन्नों की रोचक गतिविधि। अरे अरे, रुकिएगा रुकिएगा, कौन है ये बाहर वाले जो खड़े हैं? ये क्या नाम बता रहे हैं अपना? अच्छा, जो अंदर खड़े हैं वो क्या नाम बता रहे हैं? अच्छा, महाद्वीप है आप लोग। चलिए, अभी आपके ज्ञान का परीक्षण हो जाता है, अभी पता चल जाएगा आप लोग को अपने बारे में पता भी है या नहीं। तो महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन है? मैं हूँ। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। अच्छा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? मैं हूँ। अच्छा, तो ये बताइए आपकी गहराई कितनी है? 11,034 मीटर। अच्छा, चलो ये भी बता लिया। ये लगता है नहीं बता पाओगे। आपका जो सबसे गहरा पॉइंट है उसका नाम क्या है? मेरियाना। मेरियाना, सही में? यस। अरे वाह, इनको तो अपने बारे में सब कुछ पता है। चलिए आगे वालों के विषय में जानकारी लेते हैं, अभी इनकी पोल खुलने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। स्टॉप। अच्छा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है वो निकल के सामने? मैं एशिया हूँ। अच्छा, आप एशिया हैं? हाँ, मैं एशिया हूँ। अच्छा, तो हम जिस देश में रहते हैं शायद वो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, किस महाद्वीप में पड़ता है वो? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अच्छा, सही बता रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अच्छा, ये बताइए महाद्वीप कहते किसको हैं? हमारी जो पृथ्वी है वो दो भागों में बंटी है, एक जमीनी भाग और एक जल भाग में। जो जमीनी भाग है वो 7 भागों में बंटा है, उसे महाद्वीप कहते हैं। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल दंग कर दिया सबको ये बताकर कि आप महाद्वीप हैं और आपको सब कुछ अपने बारे में पता हुआ है। चलिए, अभी तो आप ही ने बताया है, बाकी 6 को पता है कि नहीं, अभी आगे पता चल जाएगा। चलिए कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। स्टॉप। दूसरे नंबर का महासागर कौन है, जल्दी से सामने आए, अपना नाम बताए। मैं हूँ अटलांटिक नंबर का महासागर। अच्छा, क्या नाम है आपका? अटलांटिक। अरे वाह, आपको भी मालूम है। चलिए चलिए कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। एक मिनट, अब पता चलेगा। जरा दूसरे नंबर का महाद्वीप सामने आकर अपने बारे में बताए। मैं हूँ दूसरे नंबर का अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा, क्या नाम है आपका? अफ्रीका। अच्छा, अरे आपने भी बता दिया। चलिए कंटिन्यू करिए, आखिरी तक आपकी पोल खुली जाएगी। जरा बताइए तीसरे नंबर के महासागर का क्या नाम है? मैं हूँ हिंद महासागर। आपका क्या नाम है? हिंद महासागर में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। स्टॉप। तीसरे नंबर का महाद्वीप जल्दी से सामने आए, अपने बारे में बताए। आप अपना नाम फिर से बताइए। वेरी गुड, चलिए कंटिन्यू करिए। स्टॉप। चलिए चौथे नंबर का महासागर सामने आए और अपने बारे में बताए। मैं आर्कटिक हूँ, मैं चौथे नंबर का सबसे बड़ा
अच्छा कंटिन्यू करिए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, चौथे नंबर का महाद्वीप आ जाए सामने। अच्छा क्या नाम है आपका? आप चौथे नंबर के महाद्वीप हैं। अच्छा वेरी गुड, कंटिन्यू करिए। स्टॉप, पांचवे नंबर का महासागर कौन है, नाम बताए अपना। अच्छा 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 ठीक है, चलिए आपने भी ठीक ठाक बता लिया, कंटिन्यू करिए। स्टॉप, पांचवा महाद्वीप सामने आए, अपना नाम बताए। मेरा नाम अंटार्कटिका है, पांचवे नंबर का महाद्वीप। अच्छा वेरी गुड, चलिए। अगला महाद्वीप कौन है पांचवे के बाद, जल्दी निकलकर सामने आए, अपना नाम बताए। मैं आई हूँ, मैं छठा नंबर का हूँ। अपना नाम फिर से बताइए। यूरोप। अच्छा अच्छा चलिए फिर से कंटिन्यू करिए। स्टॉप, अब भैया हमें तो लग रहा है हमें हथियार डालने ही पड़ेंगे, लेकिन अभी आपका आखिरी महाद्वीप बाकी है, वही आपकी इज्जत बचाएगा। तो आखिरी महाद्वीप कौन है अपने बारे में अच्छे से बता लेता है तब तो आप जीत गए। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। फिर से बोलिए। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा किस नंबर के महाद्वीप हो? सात नंबर पे। सबसे छोटे हो? सबसे छोटे। अच्छा अच्छा चलिए भैया, इन लोगों ने तो अपनी नाक आज बचा ली है। चलिए फिर से एक बार महासागर अपनी पोजिशन पे खड़े हो जाए और महाद्वीप अपनी पोजिशन पे खड़े हो जाए और फिर से बताएंगे अपने बारे में। तो साथियों ये थी आज की रोचक गतिविधि जिसके माध्यम से हम महाद्वीप और महासागरों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकें। इतने छोटे बच्चों को इस प्रकार जानकारी देना जो कि उनकी पूरी समझ में भी आ जाए और वो अपने शब्दों में उसका वर्णन भी कर सकें, थोड़ा सा मुश्किल होता है एक अध्यापक के लिए। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, यदि कोई कमी लगती है आपको तो सुझाव आमंत्रित हैं। और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।